subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान के बीच हुई अनबन अब शायद खत्म हो चुकी है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है कि जब प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी की वजह से टाइगर की फिल्म भारत को मना कर दिया था, जिसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सलमान खान देसी गर्ल की इस हरकत से काफी नाराज है। वो बात अलग है कि प्रियंका निक के रिसेप्शन पार्टी में शिरकत करके सलमान खान ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया था। वे बताया तो ये भी जाता है कि इस बात से खुश प्रियंका अपना रिसेप्शन खत्म होते ही सलमान खान से मिलने उनके घर जा पहुंची थी। इसके बाद से ही इन दोनों के फैंस इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इसी बीच देसी गर्ल ने बातों ही बातों में कुछ ऐसा इशारा कर दिया है जिसको सुनकर सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के फैंस खुशी से उछल पड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में प्रियंका चोपड़ा कॉफी विद करण शो के फिनाले एपिसोड में शिरकत करने पहुंची थी। यहां पर वो करीना कपूर के साथ नजर आई। शो में रैपिड फायर राउंड के दौरान करण ने जब प्रियंका से सवाल किया कि वो संजय लीला भंसाली और विशाल भारद्वाज में से किसके साथ काम करना चाहेंगी, तो इस सवाल पर जवाब देते हुए देसी गर्ल ने खुलासा किया है, मैं तो दोनों डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ। प्रियंका का ये बयान उस समय आया जब कुछ समय पहले ही खबर आई कि संजय लीला भंसाली हम दिल दे चुके सनम के बाद एक बार फिर से सलमान खान के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों की जोड़ी ने लगभग 19 साल बाद किसी फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि प्रियंका ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि वो सलमान खान के साथ बहुत जल्द ही रोमांस करते हुए नजर आएंगी। इससे पहले कि इन दोनों की केमिस्ट्री भगवान खुशी ग्रेट हो, मुझसे शादी करोगी और सलाम इश्क जैसे फिल्मों में काफी पसंद की गई है। बहरहाल आप दोस्तों सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा को एक साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं और पॉप बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें।